हेलो एवरीवन, मैं रोजी जाफरी। मैं आज आपको बता रही हूँ कि पॉट को कैसे तैयार करते हैं फ्लावर लगाने, कोई भी प्लांट लगाने के लिए। तो ये जैसे मैंने एक पॉट लिया है यहाँ पे, ड्रेनेज होल देख रहे हैं आप यहाँ। तो यहाँ पे पहले हम कोई टूटा हुआ गमले का टुकड़ा लेंगे, जैसे इस तरह इधर अंदर देख रहे हैं गहरा है और इस तरफ बाहर है। तो गहरा वाला हिस्सा को हम इस तरह ऐसे उलट कर रखेंगे, देख रहे हैं, ताकि ये बिल्कुल से बंद नहीं हो और इसका ड्रेनेज होल। और एक दो गिट्टी इस तरह के टुकड़े मैं और रखूँगी। जैसे ये क्वायल है, क्वायर है इसकी नारियल की, तो इसको भी हम रख सकते हैं। ऊपर से मिट्टी रखेंगे। अब हमने जो मिट्टी तैयार करके रखा हुआ है पॉट के लिए, वो मिट्टी इस पे डालेंगे। मैंने इसमें रिवर सेंट देख रहे हैं आप, और गोबर की खाद डाला है, और सोयल, इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है। मिट्टी हमें ज़्यादा लेनी है, और रिवर सैंड और गोबर की खाद ये कम लेना है। बड़ा हिस्सा हम मिट्टी का लेंगे, जैसे हमने 60% अगर हमने नॉर्मल सोयल लिया है, तो 20% रिवर सैंड और 20% गोबर की खाद या कंपोस्ट मिलाएंगे, और इन सबको इस तरह मिक्स कर देंगे। इस तरह हमें पौधों को लगाना है। ये बहुत ही खूबसूरत है, फूल देख रहे हैं आप, इसका बेहद खूबसूरत पौधा फूल है। और ये हैंगिंग प्लांट में भी आप पॉट में भी लगा सकते हैं इसको, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा अगर हैंगिंग पॉट में लगाएंगे तो। और फ्रेंड्स, जब भी नए गमले में पानी डालें, कोई भी पौधा लगाते हैं आप, तो उसमें जब पानी डालें तो कोई पत्थर या मिट्टी इस गमले का टुकड़ा रख लें, ताकि मिट्टी जब हम डालें गमले में तो इसमें होल ना हो। जैसे मैंने एक ये देख रहे हैं आप, मैंने रखा है, और मैंने कहा जैसा कि नए गमले में जब भी कोई प्लांट लगाएं तो एक गमले का टुकड़ा या कोई पत्थर रख दें, और उससे उस पर ही वाटरिंग करें, डायरेक्ट मिट्टी पे वाटरिंग नहीं करें, जिससे होल हो जाता है। और इस तरह हमें उस पर वाटरिंग करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ जब हम पानी डालते हैं तो ये डायरेक्ट मिट्टी नहीं कटती है इससे, और ये फैल के तमाम पानी जाएगा। और फ्रेंड्स, इसे आप हैंगिंग प्लांट पर ज़रूर लगाएं, या फिर किसी और जिस तरह मैंने लगाया है वैसे भी आप गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत फूल है, और ये आपके गार्डन की शोभा बढ़ा देगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।